तो दोस्तों अभी आप इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग मिनी व्लॉग देख रहे होंगे, यानी कि दोस्तों अभी इंस्टाग्राम पे मिनी व्लॉग इतना ज़्यादा चल रहा है, क्या ही बताऊँ आप सभी को। आप जब भी इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो भाई देखते हैं कि सब अपने अपने मिनी व्लॉग को कुछ इस तरीके से एडिट करके डाल रहे हैं। तो देखिए मेन बड़ा जो बात होता है वो वीडियो बनाना नहीं होता है, मेन जो बात होता है वो एडिटिंग का होता है। अभी आप साइड में हमारा इंस्टाग्राम देख लीजिए दोस्तों, इसमें मैंने कितना सारा मिनी व्लॉग डाला है और बहुत सारा मिनी व्लॉग हमारा चला भी है। तो दोस्तों ये मिनी व्लॉग मैं कैसे एडिट करता हूं, आइए आज मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों अगर आपका कुछ भी फेस वैल्यू नहीं भी है फिर भी आप मिनी व्लॉग बना के अपना फेस वैल्यू बना सकते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो डालना पड़ेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग एडिट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्टिंग एडिट ही आपके वीडियो को प्रोफेशनल बनाता है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मेरा नाम है अमानत और आप देख रहे हैं टेक अमानत ऑफिशियल, जहां पे दोस्तों आपका भाई इंस्टाग्राम के हर वो ट्रेंडिंग वीडियो उसका एडिटिंग बताता है, जो ट्रेंडिंग वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल चल रहा होता है। तो चलिए अभी मिनी व्लॉग बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है, तो अभी इसको बताते हैं कि कैसे आप अपने फोन से इसको एडिट कर सकते हैं और वॉइस ओवर भी आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने कितना क्लिप रिकॉर्ड करके रखा है, यहाँ पे छोटा छोटा बहुत सारा क्लिप मैंने इस तरीके का रिकॉर्ड किया है, क्योंकि मिनी व्लॉग में ये सब चीज आपको डालना जरूरी होता है। देखिए बहुत सारे क्लिप को मैंने इस तरीके से रिकॉर्ड करके रखा है, एकदम छोटा छोटा क्लिप, ठीक है। जहाँ पे भी आपको मौका मिले फोन निकालिए और क्लिप रिकॉर्ड करिए, बाद में आपको वॉइस ओवर करना है। तो देखिए इस तरह का मैंने बहुत सारा क्लिप यहाँ पर से रिकॉर्ड करके रखा है। आप करूँगा क्या, आप ले जाएंगे सीधे काइन मास्टर अप्लीकेशन के अंदर और यहीं से एडिट हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। तो काइन मास्टर अप्लीकेशन ओपन कर लिया, यहाँ से मैंने सारा क्लिप जो भी मैंने ऐड करके रखा था सभी क्लिप को यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और ऐड करने के बाद अभी बेसिक सा सबसे पहला काम क्या होता है, हमेशा मैं सिखाता हूँ कि जो एक्स्ट्रा पार्ट रहता है उस एक्स्ट्रा पार्ट को आपको कट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, यानी कि जहाँ से मेरा वीडियो स्टार्ट होगा उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उस एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, ट्रिम स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, ट्रिम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट काटना रहेगा तो लेफ्ट, राइट करना रहेगा तो राइट पे क्लिक करके इसको काट देंगे, ठीक है। और जैसे ही हम लोग इस पार्ट को कर देंगे उसके बाद यहाँ एनिमेशन पे जाएंगे और यहाँ पे क्लासिक ट्रांजिशन पे जाएंगे, क्रॉस फेड पे जाएंगे और यहाँ पे 0.5 पे कर देंगे, ठीक है। या फिर आप इसको बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं, यानी कि 0.01 भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वीडियो आपका जो बीच में ट्रांजिशन रहेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो दो काम हमारा हो गया, उसके बाद चलिए अभी इस वीडियो को यहाँ से देखिए, अभी मैंने एक्स्ट्रा पार्ट जो यहाँ पे है मैं इस एक्स्ट्रा पार्ट को कट करूँगा। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं, ट्रिम स्प्लिट पे क्लिक करते हैं ऊपर और क्या करेंगे, ट्रिम लेफ्ट पे क्लिक करके हम उसका जो ये है वो सारा काट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरीके से ये करेंगे और यहाँ पे इस जो राइट साइड है उसको भी कट करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट मुझे यहाँ से निकाल देना है। तो इस पर क्लिक करेंगे, ट्रिम राइट पे क्लिक करके हमने निकाल दिया। फिर इस पर जाएंगे एनिमेशन बटन पर, क्लासिक क्रॉसफेड पर जाके इसको 0.01 कर देंगे, ठीक। फिर सेम इसी प्रकार इसको भी करना है, ठीक है, और सेम इसी तरीके से सारा को आप कर देंगे। अभी बेसिक्स आपको करना क्या है, अभी यहाँ पे आपको जो है वो कलर अप्लाई करना है, जो कि तीसरा पार्ट होता है। तो कलर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कौन से वीडियो पे हम कलर अप्लाई करेंगे, तो इस पे जाएंगे फर्स्ट पे और ऑल पे करेंगे, ठीक है। फिल्टर पे जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक कोल्ड का ऑप्शन मिलेगा और C02 ऑप्शन मिलेगा। इस पे जाने के बाद 100% को यहाँ पे 20-30 कर देंगे और यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं कि अगर आप उस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि एक बार में सभी पे हो जाएगा, ठीक है। और या फिर अगर आप एक एक करके सबका जो ये है बढ़ाना चाहते हैं घटाना चाहते हैं तो एक एक करके भी आप इसको कर सकते हैं। तो या तो आप ऑल पे चाहेंगे तो ऑल पे भी कर सकते हैं, एडजस्टमेंट पे भी कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्डिंग का, तो रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपको बोलना है उसके बारे में आप यहाँ से इस तरीके से बोलेंगे, आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद इस तरीके से रिकॉर्ड होने लगे, अभी जहाँ पर आपको रोकना है उसको आप क्या करेंगे इस तरह से स्टॉप पर क्लिक करके आप उसको रोक देंगे। और रोकने के बाद बीच में आपको कुछ काम करना पड़ेगा, वो क्या काम है जो कि आपका वीडियो इंटरेस्टिंग बनेगा, वही चीज़ सभी लोग उसको अप्लाई करते हैं। तो क्या वो काम है, देखिए यहाँ पे मैंने बोलना स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने रोक दिया। तो अभी जहाँ वीडियो हमारा ख़त्म हो रहा है उस पे जाएंगे और ट्रिम स्प्लिट पे जाएंगे, स्प्लिट पे जाने के बाद उसको देखिए हल्का सा ओवरलैप कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि एक बात ख़त्म होते ही दूसरा बात चालू हो जाएगा। फिर इस पर करेंगे स्प्लिट पे क्लिक करेंगे और दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे ओवरलैप कर देंगे। ओवरलैप करना बहुत ज़रूरी है, तभी वीडियो आपका प्रोफेशनल आएगा। इस पर क्लिक करके ओवरलैप करेंगे, जिससे क्या होगा कि एक बात आपका ख़त्म होगा और साथ ही साथ आपका दूसरा बात स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से मैंने ओवरलैप कर दिया और ओवरलैप करने के बाद पूरा वीडियो हमारा बन करके तैयार हो गया। अभी मैं वीडियो प्ले करूँगा तो कुछ उसी तरह से वीडियो हमारा बन करके सामने आएगा जिस तरीके से मैंने किया। ठीक, अभी यहाँ पे दोस्तों आपको एक और काम करना है, अगर आप एडजस्टमेंट पे जाके ये कर देते तो ठीक है, उसके बाद साउंड पे जाएंगे, म्यूजिक पे जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारा म्यूजिक है, आप डाउनलोड भी करके रख सकते हैं। चलिए कोई लगा के दिखाते हैं। प्लस पे जाएंगे और प्लस पे जाने के बाद बैकग्राउंड म्यूजिक इस तरीके से प्लस करके लगाना है और लगाने के बाद कट करेंगे और दोस्तों इसका साउंड जो है वो आप कम कर देंगे। कितना कम करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको वॉल्यूम इन्वेलप, इस पे क्या होगा कि आप साउंड को 30 से 20 के बीच रखेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका आवाज़ भी अच्छा सुनाई देगा और ये वाला भी आपका बिल्कुल सही से सुनाई देगा। तो अभी क्या होगा कि अभी आप जब इसको प्ले करेंगे तो आपका आवाज़ अच्छा सुनाई देगा क्योंकि बैकग्राउंड साउंड आपने लगा दिया है। तो जो भी आपका बैकग्राउंड साउंड रहेगा उसके हिसाब से आप लगा देंगे, आपका वॉइस वाला 100% रहेगा और बैकग्राउंड साउंड आपका 20 पे रखेंगे तो लगेगा कि हाँ भाई पीछे से कोई साउंड हल्का हल्का करके आ रहा है। तो इस तरीके से एडिट किया जाता है मिनी व्लॉग को, जो कि मैंने पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से बता दिया है, समझा दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर में आपको शेयर वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको फुल HD में करना है और यहाँ पे 60 FPS पे इसको सेव करना है। तो 60 FPS पे जैसे आप सेव करेंगे वीडियो सेव हो जाएगा, उसके बाद इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दीजिए और आपका वीडियो भी कुछ इस तरह से मिनी व्लॉग बन करके तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ मैंने आपको जो भी बताया वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। चलिए फिलहाल वीडियो में ही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।